नमस्कार, शाम के 5 बजने को है, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की बीमारी लेकिन राजनीति की महामारी, आज दंगल में हमारा ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जब राहत कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम बनते नजर आ रहे हैं। आज जो वीडियो वायरल हुआ है वो दरअसल राजस्थान के कांग्रेस के एक विधायक का है। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी एक महिला पर सिर्फ इसलिए बिफर गए क्योंकि राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में उसने सीएम अशोक गहलोत के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर बता दिया। उधर बंगाल में कोरोना से लड़ाई से ज्यादा चर्चा बीजेपी और टीएमसी की आपस की लड़ाई की है। जा रही है कि बंगाल में राहत कार्यक्रमों को लेकर ममता सरकार भेदभाव कर रही है। राहत सामग्री वितरण में राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप में देश में और भी कई जगहों पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसीलिए आज दंगल में पूछेंगे कि सेवा में क्या राजनीतिक मेवा तलाशने की होड़ मच गई है। आज दंगल शुरू करें उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत अच्छा है, मोदी अच्छा है, बताओ दिए जलाने वाला अच्छा है? माता जी आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो, बताओ कौन अच्छा है? आप क्या कह रही मोदी? तो विधायक साहब को बुरा लग गया कि राशन पाने के लिए खड़ी महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर बता दिया। राजस्थान के बेगू के विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी तो ये मानकर बैठे थे कि महिला को इतनी सी तो राजनीतिक समझ होगी ही कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लेगी, लेकिन जब ऐसा न हुआ तो वो कोरोना के इस संकट काल का जो धर्म निभाने आए थे उससे ही मुंह मोड़ने लगे। दिए जलाने वाला अच्छा है? माता जी आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो, बताओ कौन अच्छा है? आप क्या कह रही मोदी? तो फिर दिए जलाओ राशन छोड़ दो, कौन अच्छा है? कांग्रेस विधायक की कोरोना राहत वाली राजनीति मिसफायर हो गई तो लगे हाथ बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने आरोप लगाने में देर नहीं की कि राहत के काम में गहलोत सरकार भेदभाव कर रही है। वैश्विक महामारी के दौर में इस तरीके की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कहां तक उचित है ये तो उनकी पार्टी और जनता तय करेगी, लेकिन उसके बाद जो जवाब आता है वो और भी ज्यादा रोचक होता है। महिला बोलती है कि मोदी, तो उसके बाद विधायक महोदय फरमाते हैं कि यदि ऐसा है तो जो आपके हाथ में राशन है वो यहीं छोड़कर जाइएगा। इसलिए ये उस प्रमाण को पुष्ट करता है जिसके बारे में हमने बार बार कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौर में भी कांग्रेस की सरकार राजनीतिक भेदभाव कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है। कोरोना पर राहत कार्यक्रम में राजनीति का गंभीर आरोप बंगाल में भी लग रहा है। राहत सामग्रियों पर मौजूद तस्वीर तो आप पहचानते ही होंगे। राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस कोलकाता के सॉल्ट लेक में राहत सामग्री बांटने पहुंचे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और खुद की तस्वीरें उस पर मौजूद थी। कुलीपारा है, दुर्गा भाषण है और खसमोल है, वो जगह में हम लोग इधर बहुत गरीब लोग रहता है, जो फिशर मैन होता है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उन लोग को आज के इसके पहले हम लोग फूड भेजा है, इधर चावल भेजा है, आटा भेजा है, आलू भेजा है, आज भी सामान हम साथ में लेके इधर बंटन कर रहा है। इन्हीं वजहों से बंगाल बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कोरोना के संकट काल में भी टीएमसी दलगत राजनीति कर रही है। बंगाल के अलीद्वारपुर के बीजेपी सांसद जॉन बारला तो राहत सामग्री बांटने में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के आरोप को लेकर घर में ही लॉक किए जाने को ममता सरकार की मनमानी बता रहे हैं। ये आप सच्चा 24 घंटा मुझे पहरा देके रखा है, चारों तरफ से घेर के रखा है, क्यों? देखिए जनता, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन मुझे घेर के रखी है मैं इसको घोर निंदा करता हूं और मुझे आप सबके सामने पहुंचने नहीं दिया जा रहा, मैंने चारों तरफ से घर को घेर के रखा है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर यह चेताया था कि राहत सामग्री बांटने में राजनीतिक दखल हो रही है।
राहत पर राजनीति राजस्थान या बंगाल तक सीमित नहीं है। दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार की राहत सामग्रियों की क्वालिटी की जांच की मांग की है। तो उधर बिहार के दरभंगा में एनडीए में ही तकरार सामने आ गई, जब जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी ने बीजेपी विधायक संजय सरागवी पर सरकारी राशन सामग्री निजी बताकर बांटने का आरोप लगा दिया। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि क्या बिना चेहरा चमकाए लोगों की मदद नहीं की जा सकती है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आशुतोष जी, आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, संगीत रागी आरएसएस के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, अजय आलोक जी जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह जी कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे, तौसीफ खान दिख रहे हैं जो कि टीएमसी के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। लेकिन सबसे पहले, चूंकि सवाल मुझे कांग्रेस पार्टी से ही करना था, अभी तक पहुंचे नहीं है अखिलेश प्रताप सिंह जी, लेकिन सवाल आपसे कर लेती हूं मैं। सबसे पहले अजय आलोक जी, चूंकि जेडीयू के ही एक नेता आरोप लगा रहे हैं, आपके विधायक हैं अमरनाथ गामी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक संजय सरागवी राशन सामग्री बांट रहे हैं जो कि सरकारी है और वो बता रहे हैं निजी, तो आप लोगों के भीतर तो खुद से ही इस तरह की लड़ाई शुरू हो गई है। बिना चेहरा चमकाए काम नहीं हो सकता है क्या? देखिए चित्रा जी, ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। दोनों विधायक, चाहे वो अमरनाथ गामी हो चाहे संजय सरागवी हो, दोनों एक ही जिले से आते हैं। ये आपसी वर्चस्व की बात आप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपदा की समय में ये सब नहीं होना चाहिए। संजय सरावगी की, चाहे विधायक है चाहे वो सरकारी सामग्री बांटे चाहे वो अपनी सामग्री बांटे, सामग्री तो बांट रहे हैं, इसपे तो लड़ाई नहीं है, इसपे तो कंफ्यूजन नहीं है। सब मामला यहाँ पे छोटी सोच का हो जाता है कि लोग क्रेडिट खाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो किस समय में काम कर रहे हैं। अगर अमरनाथ गामी जी का इस तरह का बयान भी आया है तो ये बयान इस समय देने लायक नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है। सामग्री बटनी चाहिए, जो जरूरतमंद हैं, जो पीड़ित हैं, उनके पास सामान पहुंचना चाहिए। आज का लक्ष्य ये होना चाहिए। वो कैसे पहुंच रहा है, किसके द्वारा पहुंच रहा है, किन परिस्थितियों में पहुंच रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि अगर सरकारी राहत सामग्री है तो उस पर तो जनता का हक है, नहीं फिर उसको अपना बताकर कि मैं अपनी जेब से बांट रहा हूं, इसकी जरूरत क्यों है? मैंने कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि छोटी सोच का नतीजा है कि क्रेडिट अपने हक में लेने के लिए ये छोटी राजनीति लोग घुसा रहे हैं। और ये जिलों के स्तर पे ये बड़ा कॉमन है, पूरे हिंदुस्तान में देखिए। लेकिन ये कम से कम इस बात की संतुष्टि है कि कम से कम सामग्री बांट तो रहे हैं, सामग्री अपने घर पर तो नहीं रख रहे हैं जो बाकी राज्यों से शिकायत मिल रही है। कम से कम किसी नेता के नाम पर सामग्री को रोका तो नहीं जा रहा है। कम से कम ये तो नहीं हो रहा है कि एक किलो अनाज देना है तो 250 दिया, 750 घर में रख लिया, ये नहीं हो रहा है, इसी का शुक्र है। ऐसा कौन लेकिन कर रहा इस छोटी सोच से भी दूर हटना चाहिए। अभी आपदा का समय, ऐसा कौन कर रहा है? आप ही के चैनल पे चल रहा है, मोदी नाम लो तब राशन देंगे, नहीं तो राशन नहीं देंगे। बंगाल में एक किलो कह के आधा किलो बांट रहे हैं, हर जगह चल रहा है, कौन नहीं जान रहा है? तो ये तो नहीं होना चाहिए। अरे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दीजिए, हर कोई दीजिए, चाहे सरकार दे चाहे व्यक्तिगत तौर पर लोग दें। अभी राहत बांटने का काम है, किसी तरह की राजनीति या छोटी सोच। जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, आपने जो सवाल खड़े किए हैं उसका मैं जवाब ले लूंगी। और अखिलेश प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, और अखिलेश जी आप तो बड़े खास मेहमान हैं आज के, क्योंकि राजस्थान की खबर लगातार आज सुबह से ही चर्चा में सुर्खियों में बनी हुई है। मतलब अगर महिला ने कह दिया कि मोदी मुझे ज्यादा पसंद है अशोक गहलोत के, आवाज आ रही है क्या आपको? अखिलेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन संगीत रागी, चले मैं आपका रुख कर लेती हूं। अखिलेश जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संगीत रागी जी, बीजेपी के विधायक को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? सरकारी अनाज उस पर तो जनता का हक है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या जरूरत है बताने की कि मेरी जेब से जा रहा है? देखिए, कोई भी ऐसा काम करता हो वो बहुत गलत है। राजस्थान का जो वीडियो जो हमने देखा है वो बहुत कलंकित करने वाला है, ये पूरी मानवता को कलंकित करने की बात है। दूसरी बात, लोक कल्याण या जनता की सहायता के लिए जब आप आते हैं तो ये प्रदर्शन की चीज नहीं है, ये समर्पण की चीज है, ये त्याग की चीज है। और जब आप जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आप काम कर रहे होते हैं तब तो आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनके प्रति कोई दया की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका धर्म बनता है, ये आप उन पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए आवश्यक है, ये आपके दायित्व का हिस्सा है। क्यों नहीं समझा जा रहा है बीजेपी के विधायक महोदय को बिहार में? जो भी उन्होंने यदि ऐसा किया है, मैं नहीं जानता हूँ उनके बारे में, ये जानकारी मुझ तक नहीं आई है जिले स्तर पर।
अजय आलोक जी बेहतर इसके बारे में अभी बता रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी यदि करता हो, और खास करके सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिला, जो पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिला, तो ये तो ऐसा है, गांधी जी इसी को कहते थे कि ये तो आप उनकी मजबूरी को खरीद रहे हैं, आप उनके विचारों को खरीद रहे हैं कि यदि आपने इसके पक्ष में बात की तो आपको हम राशन पानी देंगे, और यदि आपने हमारी सरकार के खिलाफ बात की तो हम आपको राशन पानी से ही भी वंचित कर देंगे। यानी कि आप गरीबों के मन को आप खरीदना चाहते हैं, आपका ये धंधा हुआ, ये व्यवसाय हुआ, ये जनता के प्रति समर्पण, त्याग और लोक कल्याण की भावना, तो इसमें का उत्स तो इसमें कतई नहीं आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़े किए हैं अखिलेश जी, जैसे ही हमसे जुड़ते हैं या फिर राजस्थान सरकार के मंत्री भी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे, उनसे मैं जवाब लूंगी। आशुतोष, मैं आपके पास आऊं। अखिलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी मिल रही है। कोरोना की महामारी राजनीति की महामारी में तब्दील हो गई है, और आज की तस्वीरें राजस्थान की तो बहुत ज्यादा शर्मसार करती हैं। बिना चेहरा चमकाए अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या कांग्रेस के विधायक और अगर महिला ने कह दिया कि मुझे मोदी जी ज्यादा पसंद हैं अशोक गहलोत के मुकाबले, तो उसका राशन सामग्री वापस ले लेंगे आप लोग? ऐसे हैं कांग्रेस के विधायक? आपने अच्छा कहा कि राजनीति चमकाने में परिवर्तित हो गया। आप लोगों को इस कामयाबी के लिए बधाई हो। आप लोग जो कर रहे हैं राजनीति, शुरू से ही कोरोना को मिलके हम लोग कह रहे हैं कि मिलके लड़ना है, सबको मिलके लड़ना है, हम लोग साथ दे रहे हैं। सर, मिलके लड़ना है तो फिर आप राजस्थान की तस्वीरें देखिए ना, जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। बीच में नहीं सर, आप कांग्रेस की रैली में थोड़ी ना आए हैं अखिलेश जी, अगर गलत बयानी करेंगे तो आपको क्या टोका नहीं जाएगा? ठीक है, टोक लिया ना, सुनिए कहा है, मादा भी रखिए। राजनीति हम लोग नहीं करते, राजनीति आप लोग और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी तक ने कहा हम लोग एकदम साथ में हैं, हर तरह से साथ में हैं और साथ में रहेंगे, मिलके लड़ेंगे। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, हम लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सरकार को कोस नहीं रहे हैं, सरकार को जहां सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को और आप लोगों को सिर्फ कमियां दिखती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, कहीं की सरकार हो, वो सरकारों को कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं, बीजेपी के लोग फिर भी हम लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं भाई, हम आप चलो कहीं कुछ किसी से, किसी भी दल के लोगों से किसी की अगर चूक हो रही हो तो छोड़ो उसको। अखिलेश जी, मेरा सवाल सुना था क्या आपने? जो लक्ष्य है उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुना था तभी जवाब दे रहा हूँ। मैंने क्या सवाल आपसे पूछा था? मैंने उसी का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के विधायक को क्या राहुल गांधी ने निर्देशित किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर किसी बीजेपी नेता का नाम ले ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले ले, तो राशन छीन लेना उससे। देखिए, दिन भर जो राशन छीना जा रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा, रूल का वायलेशन हो रहा है। अगर उत्तराखंड में कोई, गुजरात के कुछ लोग फंसे हैं तो उनके लिए स्पेशल बसें लग जाएंगी, बनारस में कुछ लोग फंसे हैं तो स्पेशल बसें लग जाएंगी, किसानों मजदूरों के लिए नहीं होगी। प्रियंका जी ने अपील की कि किसानों मजदूरों की बात सुन लो, उन्हें भी। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी का जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं सर, आपसे मैं पूछ रही हूँ, राजस्थान पे आप पहुंच जा रहे हैं, हरिद्वार और गुजरात, आपसे पूछ रही हूँ सवाल, किसी और पे आप पहुंच जा रहे हैं, किसी और राज्य में? अरे, अपने विधायक के लिए भी तो दो शब्द बोलिए, अपने विधायक की तारीफ ही कर लीजिए। अखिलेश जी, अपने विधायक की तारीफ ही कर लीजिए कि बहुत अच्छा किया उन्होंने ऐसा करके। हमारा विधायक अगर एक किसी ने कुछ बोला तो उसके अलावा उसने पूरे प्रदेश, पूरे क्षेत्र में बांट तो रहा है, भाजपा में तो लूट तो नहीं रहा है, 15 किलो जगह पर 13 किलो तो नहीं दे रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? एक ने अगर किसी ने बोल दिया तो उस पर 1 घंटे बहस करने को आज तक को समय है, लेकिन जो सहयोग पूरा देश दे रहा है मोदी जी को, उस पर छिद्रानिवेशन करके दूसरे दलों की बात करने की बात होती है। और जो दिन पूरे प्रदेश, पूरे देश को टारगेट करना, मोदी जी शुरू से लेकर, मुद्दे पर बात कीजिए प्लीज, मोदी जी को मुद्दे ही बात कर रहा हूँ। एक वीडियो आ गया सर, आप जो बोल रहे हैं इससे इसका भी अंदाजा लगा जा सकता है ना कि एक वीडियो आ गया तो आप ये हकीकत देख रही है, हो सकता है ऐसा लगातार वो कर रहे हो, वीडियो सामने नहीं आ रहे हैं, मोदी लगातार कर रहे हो वो। अरे मोदी जी से बोलिए कि झूठ बोलना बंद कर दें। मोदी जी से बोल तो रहे हैं आप, जवाब दीजिए। मोदी जी से कहिए झूठ बोलना बंद कर दें, सुबह शाम जो झूठ जवाब आते हैं उसे झूठ ही बोलते हैं। सारी जनता उनकी है, वो सारी जनता की सोचें,
सारी जनता के लिए काम करें। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री से कहा था कि इन बच्चों और मजदूरों को भी दो दिन की मोहलत दी जाए मेडिकल फैसिलिटी के साथ शिफ्ट करने के लिए। अरे अखिलेश जी थोड़ा दो एक ग्लास पानी पी लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, इतना बहुत दिनों के बाद आए हैं। आप सुनिए 1.5 लाख से ज्यादा आरएसएस के स्वयं सेवक उनका क्या अनवरत काम कर रहे हैं समाज के क्षेत्रों में जा करके, और वो टोपी लगा करके नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी की टोपी की तरह नहीं है, और आप कह रहे हैं कि लड़ने की बात है। अरे सबको आप सुनिए तो सही, गोबर ओवर लगा लो, गौमूत्र, अरे सुनिए तो सही सर, काम करो ना अखिलेश जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता पद से हटा दिए गए हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सुनिए, आप क्या चिट्ठी जारी होती है क्या, सुनिए जरा सा धैर्य तो रखिए, गोलवर का हाउस नहीं है, समझे भैया, वहां से कांग्रेस से चिट्ठी नहीं जारी होती है, ये माता बेटी और बेटा और दमाद की पार्टी से आप आते हैं, सब कोई जानता है भैया, अरे अंग्रेजों के यार देश के गद्दार, अंग्रेजों के यार। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से मुझे लग रहा है कि बचना चाहिए, कोरोना के काल में भी आप लोग एक दूसरे से नफरत कैसे कर लेते हैं अखिलेश जी, समझ में नहीं आता है, कोरोना काल में भी इतना नफरत, अरे अपने विधायक को समझाइए कि मोदी का नाम ले, मुख्यमंत्री का नाम ले, किसी और नेता का नाम ले, अगर वो गरीब है, दो जून की रोटी के लिए आपके आगे खड़ा है, तो आप उसकी मदद कीजिए, आप उसकी मदद कीजिए अखिलेश जी। अखिलेश जी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देश ने देखा, ये खाम खा को ऐसा लगा था, इसका कोई लगा था, उसको राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हो या आज तक का गेस्ट होंगे पर देश को बताएंगे बुलाने के लिए, लेकिन ऐसा ही निकला जो समाज को मानता हो, जो उसी प्रकार से निकला जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 20 मिनट के लिए बोलने के लिए जाए तो वो बम वैसे विस्फोट करता, वो बम विस्फोट जो है वो छोटी सी धोखा देता हो, छुड़छुड़ी के तौर पे साबित हुई है। आप लोग एक साथ बोलेंगे क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर आप लोग भी जान रहे हैं कि आप लोग किस तरह से स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी आवाज समझ में नहीं आएगी, लेकिन अखिलेश जी कम से कम अगर आपके विधायक ने कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा करने वाला काम किया हो तो दो टिप्पणी और दो बोल उसके लिए भी बनते थे। तौसीफ मैं आपके पास आऊं, लेकिन आशुतोष जल्दी से आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगी, अगर ये कह दिया किसी महिला ने कि मुझे मोदी जी ज्यादा पसंद है और राजनीति चमकाने का ये वक्त है क्या, आप एक तरफ राशन की सामग्री वितरित कर रहे हो और उसी दौरान ये पूछ रहे हो वहां पर मौजूद लोगों से कि बताइए कौन सा नेता आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ये कोई मौका है क्या पूछने का? नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत है और इसकी हर आदमी को निंदा करनी चाहिए और अखिलेश जी को भी इस बात की निंदा करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह दूं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी अमेरिका के अंदर करीब 2.2 मतलब करीब 2,20,00,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेनिफिट है वो उन्होंने अप्लाई किया है, और उस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का जो $1,200 का जो चेक है उस चेक के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हुआ और उनका सिग्नेचर हुआ है। अमेरिका में इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनाव के मद्देनजर वो अपने नाम का प्रचार कर रहे हैं, और जो सरकारी पैसा है वो दुनिया को ऐसे बताना चाह रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोशिश करके वो लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका, दोनों जगह राजनेताओं का चरित्र एक जैसा है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव वाली नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये जो संकट है ये संकट सिर्फ एक हिंदुस्तान का संकट नहीं है, सहस्त्राब्दियों में इस तरीके का संकट होता है, सहस्त्राब्दियों के संकट में जिस तरीके की मैच्योरिटी का परिचय हम लोगों को देना चाहिए शायद हम लोग देने में असफल हैं, और उसके लिए किसी को दोष देना क्या, हमको खुद अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि हमारा विधायक हो या किसी और का विधायक हो वो कैसे ये कह सकता है कि अगर मोदी जी के नाम पे तो इसको आप रिलीफ मत दीजिए, आपकी आपकी आपत्ति हो सकती है, आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है किसी को लेके, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप इनको रिलीफ मत दीजिए। तो लेकिन अब दिक्कत क्या है कि राजनीति है तो हर आदमी अपने हिसाब से चीज़ों को करता है, और हर तरीके के लोग, मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दिया है,
लेकिन अगर ऐसा ही सभी राजनीतिक दल करने लगे तो इस देश में गरीबों और मजदूरों का क्या होगा, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। अखिलेश जी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन तौसीफ खान, पश्चिम बंगाल में भी जो राहत सामग्री वितरित की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में भी सरकार ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। जरूरी है हर जगह मुख्यमंत्री का, उनके नेताओं का चेहरा चिपकाकर ही राशन सामग्री या फिर खाना वितरित किया जाए? नहीं, ये कोरोना के वक्त में भी अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है बंगाल के बीजेपी। अब कैसे कर रही है? 4 मार्च को वो लोग मास्क बांट रहे थे और मास्क में लिखा हुआ था सेव अस फ्रॉम कोरोना मोदी जी बंगाल बीजेपी। ये लिखने की क्या जरूरत है? चलिए, उन्होंने लिख दिया तो पुलिस ने आकर के उन्हें रोका नहीं कि आप बांटो मत, लेकिन ये उनको जरूरत था कि वो ऐसे मौके में जब आप लोगों की मदद कर रहे हैं कोरोना की मजबूरी में अपना प्रचार ना करें। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने 17 मार्च को बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, बंगाल बीजेपी ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी कर दिया और वहां पे दिखा रहे हैं एक फेक वीडियो, और फेक वीडियो दिखा करके बदनाम कर रहे हैं यहाँ पे प्रशासन को। तो उनको अगर दर्द है, गरीबों से दर्द है, गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो वो मैदान में उतर करके बीजेपी के वर्कर क्यों नहीं अनाज बांटते? तो मतलब टीएमसी ने बीजेपी से सीखा है कि बीजेपी मास्क पर अगर बीजेपी लिखवाएगी तो हम बाकी चीजों पर ममता बनर्जी का चेहरा चिपका देंगे, बीजेपी से सीख रही है क्या टीएमसी? अगर 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 आप टीएमसी को घेरते हैं तथ्यों के साथ घेरना चाहिए, लेकिन हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि ये नेताओं का जो ये तरीका है ये बीजेपी के डीएनए में ये है। ये हमेशा हर जगह मोदी जी का नाम चिपका देना, और हमने देखा है कि हर जगह चेहरा चिपका देना, चेहरा हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा, कहीं पेट्रोल पंप में जाइए तो वहां चेहरा है। आप इतना पब्लिसिटी में जो इतना खर्च कर देती है बीजेपी सरकार, उसका अगर आधा रुपया भी अगर वो कोरोना के लिए लोगों को अनाज पहुंचाने में मदद करे तो बहुत राहत मिलेगी गरीबों को। आज गरीब अटके हुए हैं, आज डेली वर्कर, डेली वेज वर्कर अटके हुए हैं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, लेकिन पब्लिसिटी करना बीजेपी को जरूरी है। आप बोलिए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या बीजेपी पब्लिसिटी इसको लेकर के मांग नहीं हुई? सोनिया गांधी की तरफ से भी मांग हुई कि भाई आप पब्लिसिटी का जो खर्चा है उसको घटा दीजिए। तो भले ही सोनिया गांधी जो है वो विपक्ष की नेता होंगी, लेकिन बीजेपी को और मोदी जी को इस बात को कंसिडर करना चाहिए। आज के डेट में क्रेडिट लेने का मामला नहीं है कि मैंने काम किया। भगवान है, भगवान देख रहा है कौन काम कर रहा है, और जनता देख रही है कि कौन काम कर रहा है। आप जाइए, आप लोगों की मदद कीजिए, और ये मत देखिए कि उसमें मोदी जी का नाम होना चाहिए या बीजेपी का नाम होना चाहिए या किसी भी नेता का नाम होना चाहिए। ठीक है, समझ गई। राहत सामग्री पहुंचाइए। आप टीएमसी के समर्थक हैं, आपकी बातों से यही लग रहा है कि तुम्हारी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद है, ये बताने की लोगों को आप कोशिश कर रहे हैं। संगीत रागी जी और आलोक जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले इस वक्त हमारे साथ राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। राजस्थान के अपने विधायक की तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे, आपके विधायक के लिए क्या कहा जाए कि ईश्वर इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, जो राजेंद्र सिंह जी विधुड़ी हैं, ये दिल के बड़े साफ विधायक हैं, और इनके जो बात इन्होंने कही है उसमें पूरे राजस्थान में एक नारा चल रहा है, मोदी जी देंगे भाषण और अशोक जी देंगे राशन, बीजेपी बजाएगी थाली और कांग्रेस थाली में सजाएगी पूरा राशन रोटी, ये जलाएंगे दिया और हम जलाएंगे चूल्हा। सर, कोरोना में भी आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेक लेते हैं? मैं राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहा। कोरोना में भी लोग जब इतने परेशान हैं अपने घरों के भीतर, क्या पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि मोदी जी 90 करोड़ लोगों के खाते में, 15 लाख और अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन मोदी जी 90 करोड़ लोगों के खाते में 10,000 या 15,000 रुपए जमा करा देंगे, तो लोग उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए जमा कराऊंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। अब कोरोना के संकट के समय मोदी जी को हर देश के गरीब, बेरोजगार, मजदूर, मीडियम क्लास सबके खाते में 10,000, 15,000। कोरोना में भी आपको मोदी जी इतने ज्यादा क्यों नजर आ रहे हैं? मोदी जी इसलिए नजर आ रहे हैं, मोदी जी से शुरू, मोदी जी से खत्म। अरे आप गिनाइए ना, आपने अपने विधायक को फोन लगाकर कहा कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। छोड़िए, आप मुझे नहीं सर, आपके विधायक को क्यों छोड़े? जनता ने उनको चुनकर भेजा है इसलिए कि गरीबी जब हो, जब भुखमरी के कगार पर स्थिति पहुंच जाए, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करे, तो उस समय वो पूछे कि तो मोदी के समर्थक हो या किसके हो? हवाई अड्डे यदि लॉक कर दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार गिराने में ठीक है, कल भी आप यही गिना रहे थे, जनता पार्टी लगा रही कल भी आप यही गिना रहे थे, लॉक करने में लगा मंत्री जी, तो आज ये कोरोना नहीं फैलता। प्रताप सिंह, कोरोना भारत सरकार की गलती से फैला है। हवाई अड्डे पे क्यों उतरने दिया?
चाहे बाहर से आया अब तो फैल गया। अब ये बताइए कि अब राशन सामग्री बांटने में भी भेदभाव किया जाएगा? राशन सामग्री बांटने में कोई भेदभाव नहीं हो रहा। यदि कोई कह रहा है, यदि मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? झूठ बोल रहा है ना, उसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? चीख चीख कर बोल रहे हैं आपके विधायक। मैं आज कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको राशन नहीं मिल रहा हो, सबको राशन मिल रहा है। सर ये तो आप भाषण दे रहे हैं जिसके जरिए मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो तस्वीर ग्राउंड से समझ में आ रही है, सर ग्राउंड से जो बातें समझ में आ रही हैं, बीजेपी के नेता तो भाषण दे रहे हैं, मैंने मान लिया। ये मुद्दा है सर, आपके नेता क्या कर रहे हैं? मानव जाति, अगर किसी महिला को मोदी जी पसंद आ जाते हैं तो उससे राशन का सामग्री छीन लेंगे आप लोग? आप पहले वो वीडियो पूरा सुनिए, उस महिला ने कुछ भी नहीं बोला, खुद विदुरी ने ये कहा। सर तो विधायक के सामने किसी महिला की क्या हैसियत है जो वहाँ पर लेने के लिए गई है राशन सामग्री? ये राजस्थान है, राशन सामग्री लेने के लिए महिला अगर वहाँ पर खड़ी हुई है याचक की भूमिका में, वो क्या बहस करेगी वहाँ पर विधायक से? सब लोग जो जिस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मोदी जी से बाहर निकलिए। आज तक सर मोदी का सबसे ज्यादा नाम तो आपने लिया, मोदी जी का सबसे ज्यादा नाम आपने लिया और उल्टा हमें आप बोल रहे हैं। हर एंकर अपने विधायक को तो बोलिए सर, आपने अपने विधायक को फोन लगाकर कहा कि नहीं कहा कि ऐसा मत करना आगे से? आवाज क्यों नहीं सुनाते? हिंदुस्तान में त्राई माम मचा हुआ है, आप सिर्फ प्रधानमंत्री की आवाज बनकर। सर हिंदुस्तान में ही राजस्थान है, आवाज बनकर आज तक मंत्री जी हिंदुस्तान में ही राजस्थान है। हिंदुस्तान की जनता की आवाज बनकर बोलेगा, आज तक पे लोग भरोसा करते हैं। आप हिंदुस्तान की आवाज बनिए, मोदी जी की आवाज मत बनिए। हिंदुस्तान की जनता को रोटी चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को अपने खाते में पैसे चाहिए, प्रधानमंत्री को हर राज्य को मदद करनी चाहिए। कोरोना संकट के समय में लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं, लोग अटके हुए हैं। यदि यूपी सरकार बसें भेज रही है, राजस्थान की सरकार उनकी मदद कर रही है, हिंदुस्तान का मजदूर उम्मीद कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, ये कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का वक्त नहीं है। बीजेपी के नेताओं को मना करो, वो आज भी धर्म और जाति की राजनीति की बात कर रहे हैं। सर आप मुद्दे से भटक गए हैं। हर आज का मुद्दा है कोरोना की बीमारी, आज के मुद्दे पर बोल रहा हूं, राजनीतिक महामारी, और ये नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि आपके विधायक का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है और लगातार लोग उसको उसकी निंदा कर रहे हैं। आपने एक बार भी अपने विधायक की निंदा नहीं की है मंत्री जी। परिवहन इतने बड़े मंत्री हैं आप राजस्थान सरकार में, लोग सुनते हैं आपको। मोदी सर वीआईपी लोगों के लिए है क्या आप लोग? मोदी जी से राशन चाहिए, मोदी जी भाषण बंद कीजिए, राशन की व्यवस्था कीजिए। अभी तो आपके विधायक भाषण दे रहे थे, हिंदुस्तान मोदी जी का भाषण बाद में सुनेगा, अभी तो आपके विधायक के भाषण की बात हो रही है। सरकार के गोदामों में गेहूँ सड़ रहा है, राहुल गांधी रोज बोल रहे हैं ये गोदामों में गेहूँ सड़ रहा है, उस गेहूँ को बाहर निकालो। आज राशन पर, जिस राशन कार्ड पर खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून की मोहर नहीं है, उसको गेहूँ देना पड़ेगा। आज राजस्थान की सरकार रोज आटा नमक दाल चीनी चावल हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार से रोज अशोक गहलोत हाथ जोड़ रहे हैं, सचिन पायलट हाथ जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी हाथ जोड़ रहे हैं, सोनिया गांधी हाथ जोड़ रही है। प्रधानमंत्री जी, राशन पर गेहूं, हर व्यक्ति जो राशन लेकर जाए उसको भी गेहूं दो, जिसके पास राशन नहीं है उसको भी गेहूं दो। पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन है, बीजेपी कांग्रेस किनारे करो, इस वक्त कोरोना के लिए लड़ाई लड़ो। कोरोना खत्म करना है तो बीजेपी कांग्रेस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बंद करना पड़ेगा। धर्म पे लड़ोगे या कोरोना से लड़ोगे? पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में झगड़ा नहीं करना है, पहले कोरोना खत्म करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, कोरोना पूरी दुनिया का मुद्दा है। आज बीजेपी कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में कोई झगड़ा नहीं है, हम सब मिलकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री देश का राजा है, उससे उम्मीद कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान उम्मीद कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी 15 लाख का वादा आपने किया था, अच्छे दिन का वादा आपने किया था। सर आपका भाषण खत्म हो गया, तो मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं आपको 10,000 रुपए हिंदुस्तान के 90 करोड़ लोगों के खाते में जमा कराने चाहिए। माँ बहन बेटी भूखी है, कोरोना से त्राही माम हो रहा है। सर अगर आपकी बात खत्म हो गई हो, मैं मेरा अगला सवाल ले लीजिए। थाली बजवा दी प्रताप सिंह जी, आपकी एक प्रताप सिंह जी थाली बजाई, दिया जला, मेरी आवाज सुन रहे हो प्रधानमंत्री जी? बंद हो तो हम लोग भी कुछ बोल सकते हैं क्या? ठीक है, आप लोग आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, अब मेरा अगला सवाल सुन लीजिए, छोटा सा जवाब दीजिएगा, संगीत रागी को उसके बाद मैं लेकर आऊंगी। मेरा सवाल आपसे ये है, प्रताप जी आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, और अगर भीड़ होती तो ताली भी बजाती, दूसरों को भी मौका दीजिए, जो बोला है आरोप लगा है उस पर जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर केंद्र से, सर सुन लीजिए मेरी बात, केंद्र से अगर राशन गेहूं भेजा भी जाए और आपके विधायक ग्राउंड पर पहुंचकर ये पूछे कि कौन सा नेता तुमको पसंद है,
और उसमें अगर सामने वाले यानी कि केंद्र के नेताओं की पसंदगी जाहिर कर दी जाए तो वो राशन तो छीन लेंगे आप लोग। फिर दिल्ली से अगर राशन जाता भी है तो लोगों तक कहां पहुंचा वो? लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दे कि जिसके राशन पर ठप्पा नहीं है उसको भी गेहूं मिलेगा सबको। क्यों राजस्थान की सरकार गेहूं मांग रही है, राजस्थान के हर राशन के लिए गेहूं मांग रही है। सर जो राशन पहुंचा है उसका तो समान वितरण करा दें आप, केंद्र उसका तो समान वितरण करा दें। संगीत रागी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद अजय आलोक जी मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी देखिए आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं ना, वो आपसे मदद मांग रहे हैं, आप लोग उनको देने के तैयार नहीं है, इस वजह से उनका ये दर्द सामने आ रहा है। चित्रा जी आज तक पर कांग्रेस के दो दो प्रतिनिधि हैं, इसके बावजूद भी वो आज तक पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मोदी का गुणगान कर रहे हैं। दूसरी बात, मंत्री जी की झुंझलाहट ये बताती है कि मंत्री जी के और उनकी पार्टी की चोरी पकड़ी गई है। तीसरी बात, टीएमसी के जो कार्यकर्ता कह रहे थे, टीएमसी के जो कार्यकर्ता कह रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर हजारों बीजेपी और लाखों संघ कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इसमें कोई गलत नहीं कि बीजेपी का यदि व्यक्ति यदि बांटता है और बीजेपी की बात करता है तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सरकार यदि बांटता है और वो अपनी पार्टी का उसमें उपयोग करता है तो बिल्कुल गलत है। आपने बोल लिया है, एक बार सुन तो लीजिए संगीत रागी को, उसके बाद बोलिएगा, अभी बहुत मौका है। एक बार प्रताप जी जवाब तो ले लीजिए संगीत रागी का। पूरा हिंदुस्तान उम्मीद कर रहा है मोदी जी से, आज मोदी जी का राशन हिंदुस्तान की जनता तक नहीं पहुंच रहा, मोदी जी का पैसा नहीं पहुंच रहा, 15 लाख का वादा किया था, अच्छे दिन का वादा किया था, की सरकार की दिखाई नहीं दे रही, 15 लाख नहीं दिए, 15 लाख दे दो मोदी जी, 15 लाख दे दो। प्रताप सिंह जी कल से लेकर आज तक कम से कम 20 बार आप 15 लाख की बात कर चुके हैं, अब जरा इसे हम बाहर निकल जाए, अपने विधायक के बारे में भी तो कुछ बोलिए जिसका वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं। सर क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई इस वीडियो को देखने के बाद कि गरीबों के साथ हम कैसा भेदभाव कर रहे हैं? आप यहाँ पर मीडिया पर बैठकर आरोप लगा रहे हैं, क्या दिल में दर्द नहीं होता आपके? इस तरह का वीडियो देखकर जब राहत सामग्री मांगने के लिए महिला आई और उसे पूछा जाए नेता कौन सा अच्छा है, मोदी जी से आवाज देनी चाहिए, बताना चाहिए कि 15 लाख क्यों नहीं मिलने चाहिए। सर कितना 15 लाख मांगेंगे प्रताप सिंह जी? हो गई आपकी बात, बाकी लोगों की बात हम सुन लेते हैं। प्रताप सिंह जी 15 लाख से बाहर निकलिए, आपने क्या किया है ये गिनाइए। मंत्री हैं आप, कम से कम जो सामान आपके पास है उसका तो समान वितरण कीजिए, बिना ये पूछे कि कौन सा नेता अच्छा है कौन सा बुरा है। ठीक है सर, हो गई आपकी बात, बाकी नेताओं को बोलने दीजिए। प्रताप जी बोलिएगा उसके बाद प्रताप सिंह जी। कांग्रेस की तो नेताओं की आदत बन गई है कि आएंगे तो इकट्ठा भाषण देना शुरू कर देंगे, उसके बाद चुप चुप कराते रह जाओ, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। प्रताप सिंह जी हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़े समय के लिए सर प्लीज शांत हो जाइए। संगीत रागी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद में अजय आलोक और आशुतोष के पास जाऊंगी। संगीत रागी जी देखिए चित्रा जी, मेरा ये कहना है कि मंत्री जी के ये प्रवचन और झुंझलाहट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनकी पार्टी की चोरी पकड़ी गई है। दूसरी बात, राजस्थान सरकार अन्न के मामले में क्या इतना आत्मनिर्भर नहीं है कि वो अपने लोगों को खिला सके? यद्यपि कि भारत सरकार स्पेशल तौर पर ये ट्रेन चला रही है, हर राज्यों को राशन पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत ही झूठा बयान है कांग्रेस एक मंत्री का कि केंद्र सरकार अन्न के मामले में राजस्थान को सहायता नहीं कर रही है। सच्चाई तो यह है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए जो उपाय करने चाहिए थे उसका उपाय उन्होंने शुरू से नहीं किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस का नेतृत्व ने आज तक तबलीगियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं राजस्थान के अंदर लिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के अंदर जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने की बात है या कोई और अन्य संगठनों से जुड़ी हुई बात है, उनके साथ ये भेदभाव की जो वीडियो आया है ये अपने आप में लज्जित करने वाली चीज है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा संगीत रागी जी, लेकिन केंद्र से अगर राजस्थान सरकार मदद मांग रही है उसको नहीं मिल रहा है तो फिर वो अपनी बात तो रखेगी ना? नहीं, बिल्कुल उनका आरोप तो ये है कि केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही है। एक बात मुझे बताइए चित्रा जी, केंद्र सरकार ने खुले तौर पर कहा है जिन जिन राज्य सरकारों को राशन की जरूरत है इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है,
ये कहना गलत बात है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। ये मंत्री महोदय झूठ आकर के बोल रहे हैं। एक बार भी इन मंत्री महोदय ने उस विधायक की निंदा नहीं की। केंद्र सरकार 15 मिनट प्रवचन देते रह गए। आप अपने यहाँ के हेल्थ सुविधाएं गलत है, इसके बारे में आपने नहीं बात की। कितने सारे सर, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। आप लोग इतने बड़े बड़े नेता हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि लाइव पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है, वो भी उस चैनल पर जिस पर इस देश ने भरोसा जताया है। सर, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल जिस पर लाइव देश की जनता आप लोगों को सुन रही है, कम से कम राजनीति की उस मर्यादा का भी परिचय दीजिए जिससे लोग अपने घरों में महफूज होकर इस बात को महसूस कर सके कि आप लोग हैं उनके लिए। ठीक है सर, आपको मतलब थाली और दिया जलाने से दिक्कत है ना? प्रताप सिंह जी लगातार आप बोल रहे थे, सर हो गई आपकी बात। सर, आप इतना दिया दिया, 15 लाख थाली बजाना, आपने इतनी ज्यादा अपनी चिंता जाहिर कर दी है ना? आप मत जलाइए, किसने कहा आपको? देश की बाकी जनता को जलाने दीजिए, देश की बाकी जनता को पीटने दीजिए, थाली आप मत करिए। कोई जबरदस्ती करवा रहा है कि आप थाली बजाइए और दिया जलाइए? आशुतोष जी, ठीक है सर, समझ में आ गई। संगीत रागी जी, आपकी भी बात समझ में आ गई, प्रताप सिंह जी भी, आशुतोष। ये शोर जी, देखिए चित्रा जी, अभी मैं प्रताप सिंह जी को भी सुन रहा था और संगीत रागी अपने जो मित्र हैं उनकी भी सुन रहा था। प्रताप जी को निश्चित तौर पर जो विधायक ने कहा उसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उस बात की निंदा नहीं की। एक बात और नहीं क्यों नहीं निंदा की, और उसके बाद वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं गौर से, हाँ बड़े गौर से मैं संगीत रागी को सुन रहा था। उनका भाषण आके तबलीगी जमात पे रुक जाता है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना से लड़ने की बात करता है तो क्यों ये आरएसएस बीजेपी के लोगों का भूपू आकर से तबलीगी जमात पर क्यों रुकता है? अरे भाई, अगर तबलीगी जमात पर रुकता है तो जो सिंह लिंगेश्वर का जो कर्नाटक के अंदर हुआ उस पर भी टिप्पणी करिए ना। सिंह लिंगेश्वर में जो हजारों लोग इकट्ठा हुए उनकी टेस्टिंग के बारे में बात करिए, उनकी स्क्रीनिंग के बारे में बात करिए, और जो वहां पे एचडी कुमारस्वामी की शादी में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा गए हैं उसके बारे में भी बात करिए। क्या येदियुरप्पा को क्वारंटाइन में नहीं जाना चाहिए? क्या येदियुरप्पा की जांच नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में भी बात कर लीजिए, जहां सरकार ही नहीं है वहां पे, तो मध्य प्रदेश के अंदर वहां पे सिर्फ एक आदमी जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, ना वहां पे स्वास्थ्य मंत्री है, आधा स्वास्थ्य मंत्रालय पड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को दिखाई नहीं पड़ता है ना? तो और ये आरएसएस को वैसे भी राजनीति पे नहीं बोलना चाहिए था। आरएसएस ने तो सरदार पटेल को वायदा किया था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में नहीं बोलेंगे, लेकिन आजकल आरएसएस के तमाम प्रवक्ता तमाम टीवी चैनल्स पर सिर्फ राजनीति में बात करते हैं। तो ये इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा था उस प्रतिबंध का वायलेशन भी ये लोग कर रहे हैं आजकल। मतलब आपको लग रहा है ऐसा, तो ये संगीत बोल रहे हैं, कहना चाहता हूँ कि भाई आरएसएस को राजनीति करने की इजाजत नहीं है, बोलने से भी दिक्कत है, उनका पक्ष कैसे सामने आएगा? वो चुप रहेंगे तो क्या लिखित में वो मुझे दे दें और मैं पढ़ दें, मैं पढ़ दूं तो वो ठीक रहेगा? नहीं, मैं चित्रा जी, मैं, ये गलत अपने किताब में लिख चुके हैं। चित्रा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी जी की हत्या के बाद जब आरएसएस के ऊपर बैन लगा था, सरदार पटेल ने बैन लगाया, कि ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। आप दोनों लोग बोल रहे हैं ना, मुझे समझ में आ रहा है ना मेरे दर्शकों को। मैं फौरन लौट रही हूँ अजय आलोक जी और तौसीफ आपके पास, लेकिन उसके पहले जिस विधायक की ओर से नरेंद्र मोदी का नाम लेने पर महिला से राशन छीन लिया गया, कांग्रेस को उस विधायक की सफाई आई है, इस पूरे मुद्दे पर जरा सुनिए। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसे छेड़छाड़ की गई है, नंबर एक। नंबर दो, कि मैंने ये बोला था कि ताली बजाने वाले अच्छे हैं कि दिए जलाने वाले अच्छे हैं, कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गरीबों के घर में चूल्हे जला रहे हैं कि वो अच्छे हैं, तो ऐसा किसी ने बोला? एक माता जी के पीछे कार्यकर्ता खड़े हुए थे, पीछे से कह रहे हैं कि मोदी अच्छा है, और माता जी बाद में मेरे गले भी मिली है, माता जी को मैंने राशन भी दिया, फोटो भी है मेरे पास। उसके बाद उस कार्यकर्ता बीजेपी का था, उसने बोला मोदी अच्छा है, तो मैंने बोला कि जब मोदी अच्छा है तो आप दिए जलाओ, और अशोक गहलोत जी और राजस्थान की सरकार राशन बांट रही है और हम घर घर तक राशन की किट पहुँचा रहे हैं जिसे गरीबों के घर में दिया जले, तो मैं ये बोला कि दिए जलाने अच्छे हैं कि पेट भरने वाले अच्छे हैं? विधायक जी ने बेहद मासूमियत से अपने सवाल का जवाब दे दिया। कहा है अजय आलोक की दरअसल वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, उनका मकसद ऐसा नहीं था जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं।
देखिए चित्रा जी, ये सब एक्सप्लेनेशन ये सब चीज़ तो हम लोग बहुत सारे सुन चुके हैं। अभी आशुतोष जी को तबलीगी पे भी दिक्कत हो जाती है, मोहम्मद शहाब का बयान फिर आशुतोष जी को याद नहीं आता है जो पहला बयान उन्होंने क्या दिया था। बाकी लोग को, मंत्री जी को तो ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट लग गया, लगातार बोलते ही चले जा रहे थे, जैसा लगता है कि मिर्गी का दौरा पड़ गया और फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहली बार मैं देख रहा हूँ इस देश में कि ऐसी व्यवस्था हो रही है कि राज्य सरकार का मंत्री राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है। अब वो जिस तरह से बोल रहे थे, खुद अखिलेश जी हंस रहे थे और वो बोले जा रहे थे विधायक की निंदा नहीं कर रहे हैं, सरकार की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जिस ढंग से वो बोल रहे हैं वो मोदी के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? इसको आप रोक नहीं सकते हैं। मोदी के प्रति इन लोग को इतना प्यार है तो रह रहे के फट फट के निकलता है, तो निकलने दीजिए उनको। अब उसमें क्या कर सकती हैं आप? इस तरह का जब आप डिबेट करवाइएगा तो इस तरह का प्यार उनका निकलेगा, बर बर के निकलेगा, उबल उबल के निकलेगा, और इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी ये सब बहस छोड़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग कोरोना पे राहत बांट लें। अब प्राय 15 लाख तो अभी पिछले साल चुनाव में 15 लाख का गाना गाया ना, क्या मिल गया? लेकिन तब भी समझ में नहीं आता कि फिर चालू हो गया, फिर बिजली का करंट लग गया इनको, मंत्री जी को फिर बिजली का करंट लग गया, अब कोई क्या करेगा? देखिए मंत्री जी को करंट लग गया, अरे लिखित में अशोक गहलोत जी ने कह दिया, यूपी सरकार के मंत्री कल बोल रहे थे कि लिखित में अशोक गहलोत जी ने कहा कि कोटा में हम छात्रों के लिए राशन की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने बच्चों वापस बुला रहे हैं। उसमें तो चुप्पी साध गए ये लोग, लॉकडाउन का ही मजाक उड़ा दिया बच्चों को वहां से वापस भेज के। ठीक, एक पर एक चीज हो रही है तो उसमें क्या करेंगे? लेकिन अजय आलोक जी, अभी सब चीज छोड़ के मंत्री जी आप बोलते रहेंगे लगातार तो आप क्या बोल रहे हैं उसकी महत्ता कम हो जाएगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा। दो लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल आप क्या कहना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, अखिलेश जी आप एंकर पर हंस रहे थे क्यों जरा बता दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ जल्दी से। किस बात पर आपको हंसी आ गई, क्यों खुश हो रहे थे आप इतना? बहुत से कुछ नहीं, हंस रहे थे। आप करेंगे राजनीति ना करें, आप जैसे निष्पक्ष बहस करा रही हूँ, दो दो लोगों को बैठाए हैं कांग्रेस के नेता को, एक इतने तेज तर्रार यूपी के प्रवक्ता हैं, दूसरे मंत्री ही हैं तेज तर्रार राजस्थान के, उस पर भी आपको लगता है राजनीतिक चश्मा लगाकर की तरह से एंकर बायस्ड है? मतलब आप जो सोच रख रहे हैं ना अखिलेश जी, मुझे तरस आ रही है आपकी सोच पर। चलिए तो आपके अपने तरसा करें आप, बात ये है कांग्रेस के दो प्रतापों को बुलाए हैं हमने तो भी आप लोगों का प्रताप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। अरे सही बात कीजिए ना सर, एक यूपी को बुलाया, एक राजस्थान को बुलाया। सुनिए, हमारे कोऑर्डिनेटर को बताया आपने कि आप दो बुला रही हैं? हमारे कोऑर्डिनेटर ने आपको मिनिस्टर दिया? एक सेकेंड सर, एक सेकंड अखिलेश जी, ये चढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है? नहीं नहीं, अखिलेश जी बिल्कुल आराम से संजीदगी से आप बात करेंगे, इस तरह तू तड़ाक करके मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप उम्र में बड़े हैं लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे आप मेरी, बिल्कुल ढंग से बात कीजिए अखिलेश प्रताप सिंह जी। जवाब दीजिए, भागिए नहीं, जवाब दीजिए। कोई भाग नहीं रही हूँ, गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछेगा फोन लगाकर प्रोग्राम खत्म होने के बाद। मैंने तो अखिलेश जी आपको फोन नहीं किया था, दो गेस्ट मांगे, गेस्ट कोऑर्डिनेटर से बात कीजिएगा, यूपी की भी बात है राजस्थान की बात है, इस वजह से वो मंत्री है, आप प्रवक्ता है, रुकिए। आपको क्या दिक्कत है अपने मंत्री से कि मंत्री के साथ आपको बिठा लिया? देखिए आपको दिक्कत है कि आपको मंत्री जी के साथ बिठा लिया? बता रहा हूँ नहीं, आपने कहा आराम से बात कीजिए अखिलेश जी, इसलिए और ऐसा लड़ने की जरूरत नहीं है। आप और आपका पक्ष रखने के लिए आपकी बात उठाई है मैंने, यहाँ पर गेस्ट कोऑर्डिनेशन पर सवाल मत उठाइए। आपको तो खुश होना चाहिए कि कांग्रेस के इतने लोगों की बातें बाहर निकल कर सामने आ रही है, उस पर भी आपको दिक्कत है? सर आपसे ज्यादा चीख सकती हूँ मैं, लेकिन आपका उम्र का लिहाज करके यहाँ पर शांत हूँ, और आगे से आप बात कीजिएगा तो बिल्कुल ढंग से अखिलेश प्रताप सिंह जी। कोरोना की बीमारी, राजनीति की महामारी, इसी को लेकर लगातार हम बहस कर रहे थे दंगल में। दरअसल दिक्कत इस बात की है कि जहां जहां चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, जिन्होंने एक महिला से सवाल पूछा और ये कहने पर कि वो दरअसल मोदी को ज्यादा पसंद करती है अशोक गहलोत की बजाय, तो उसका राशन वापस लेने की कोशिश की जाती है। और अब विधायक जी सफाई दे रहे हैं कि दरअसल उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन यकीनन इस तरह की स्थिति सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि देश के कई दूसरे हिस्सों से भी सामने आई है, जहां पर मदद के नाम पर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से, पार्टियों की ओर से, नेताओं की ओर से की जा रही है, जिसको तुरंत खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई हमें कोरोना से लड़नी है, अपना चेहरा नहीं चमकाना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।